आज हम ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों को हो सकती है, और ये डिसऑर्डर किसी भी एज में शुरू हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर एडोलसेंस और टीनेजर एज में शुरू होती है। ईटिंग डिसऑर्डर में जो मतलब ईटिंग डिसऑर्डर वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, और वो खाना ज़्यादा मात्रा में खाने लगता है, नहीं तो कम मात्रा में खाने लगता है। ईटिंग डिसऑर्डर वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, लाइक मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ कुछ फिजिकल्स प्रॉब्लम होते हैं। इसके अनेक लक्षण हैं जिससे हम डिसऑर्डर की पहचान कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा भोजन करना या भोजन ना करना। इसके कारण व्यक्ति के शरीर का वज़न बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है। इस डिसऑर्डर के कारण व्यक्ति को थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना आदि समस्या होने लगती है। व्यक्ति अपने शरीर के आकार और वजन के बारे में अधिक सोचने लगता है। ईटिंग डिसऑर्डर के 3 टाइप्स हैं। पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा बुलिमिया नर्वोसा, तीसरा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें व्यक्ति को लगता है कि वो ओवरवेट है जबकि वो अंडरवेट होता है, और वो अपने बॉडी को लेकर अपने वज़न को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से हैं कि वो जो व्यक्ति है वो कम से कम खाते हैं, और अपने कैलोरीज घटाने के लिए वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। वो ये जानते हैं कि उनका जो वज़न है वो उनकी लंबाई और उनके उम्र के हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी वो अपने वज़न कम करने की आदत को रोक नहीं सकते, उस पर काबू नहीं लगा सकते, और वो अपना वज़न कम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं। दूसरा जो टाइप्स है वो है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति को लगता है कि वो उसका वज़न जो है वो कम है तो वो ज़्यादा खाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से हैं कि जो व्यक्ति है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने लगता है, और अपनी कैलोरीज को घटाने के लिए वो ज़बरदस्ती उल्टियाँ करने लगता है। तीसरा जो टाइप्स है वो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ज़्यादा खाने की आदत या खाने से जुड़े एक ऐसी समस्या है जिसमें कोई भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने लगता है। ऐसे लोग थोड़े थोड़े देर में ही खाना मांगने लगते हैं भले ही उन्हें भूख ना लगी हो।